गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स जैसा कि हम आज आपका चैप्टर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका सराउंडिंग यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके चारों तरफ ओके तो वी विल लर्न अबाउट हम ये चैप्टर में क्या पढ़ेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स लिविंग बिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके सराउंडिंग उनके चारों तरफ क्या है? हैबिटेट पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट पढ़ेंगे एडेप्टेशन पढ़ेंगे ओके हैव यू एवर बीन टू ए हिल स्टेशन क्या आप कभी भी हिल स्टेशन पे गए हैं यू मस्ट हैव सीन दैट हिल स्टेशन मतलब कि ऐसा स्टेशन, मतलब कि ऐसा एरिया जो चारों तरफ से पहाड़ों से भरा हुआ है पहाड़ है अच्छा नज़ारा है ओके यू यू मस्ट हैव सीन दैट लीव्स ऑफ द प्लांट फाउंड देयर आर निडल सेव तो वहाँ पे आप गए होंगे तो वहाँ पे जो प्लांट्स के जो लीव्स होंगे वो कैसे आपको दिख रहे होंगे नीडल शेप के यानी सुई की शेप की तरह दिख रहे होंगे ऑन द अदर हैंड इन डेजर्ट प्लांट्स लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस और उस दूसरी तरफ जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं डेजर्ट डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस की तरह मतलब कि उसमें कांटे रहते हैं ओके यानी उनका जो लीव्स रहता है स्पाइंस की तरह रहता है कांटे की तरह स्पाइंस का मतलब होता है कांटा हैव यू एवर हैव यू एवर वंडर वाई कैन नॉट वी लिव इन वाटर क्या आपने कभी सोचा कि हम वाटर में क्यों नहीं रह सकते एंड द फीशेस ऑन लैंड और जो फीस है वो लैंड पे क्यों नहीं रह सकती इन दिस चैप्टर लेटेस्ट एक्सप्लोर द रीज़न बिहड दिस तो ये चैप्टर में इसी का इसी का इसके पीछे का रीज़न हम ढूँढने की कोशिश करेंगे ओके okay, अब चलते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मैनी थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस एवरी डे आर लिविंग हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं उसमें से क्या हैं वो ज़्यादातर क्या हैं लिविंग में बट वाट डज इट मीन्स टू बी लिविंग यानी जो लिविंग है उसका मतलब कि एक्चुअली में जो लिविंग का मतलब क्या होता है तो यू मस्ट हैव सीन दैट पपी ग्रोज प्लांट इन गार्डन ऑल्सो ग्रो बट हैव यू एवर सीन योर पेंसिल और कॉपी ग्रोइंग और इंक्रीजिंग इन साइड क्या आपने कभी देखा है कि आपका जो पेंसिल है या कॉपी है वो साइज में ग्रो करता है क्या यू हैव सीन ए डॉग रनिंग ए बर्ड फ्लाइंग ए फिश स्विमिंग बट हैव यू सीन योर टेबल मूविंग ऑन इट्स ओन आपने देखा होगा कि जो डॉग है वो दौड़ता है बर्ड्स जो है वो फ्लाइंग करती हैं फ़िश जो है स्विमिंग करती हैं लेकिन क्या आपका टेबल मूव करता है अपने आप ओन का मतलब होता है अपने आप बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ग्रोथ एंड मूवमेंट थिंग्स अराउंड अस आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज टू कैटेगराइज़ मतलब कि मतलब कि ग्रोथ और मूवमेंट ये जो खासियत है मतलब कि जो चीज़ मतलब कि ग्रोथ और मूवमेंट के बीच ग्रोथ और मूवमेंट ये खासियत रखते हुए हमने चीज़ों को जो हमारे आस पास जो चीज़ें हैं उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया कैटेगराइज़ का मतलब होता है डिवाइड करना या बाटना तो लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स और बींग्स जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या है लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग बिंग्स हैं नॉन लिविंग थिंग्स स्टोन हो गया पेंसिल हो गया चेयर हो गए बुक हो गए आर नॉन लिविंग थिंग्स कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बिंग्स लिविंग बिंग्स की क्या क्या कैरेक्ट्रिस्टिक्स होती हैं उसी को हम देखेंगे सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कॉमन टू ऑल लिविंग बिंग्स आर मतलब कि कुछ कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सभी लिविंग बिंग्स में कॉमन होती है यानी सभी लिविंग बिंग्स में ये कैरेक्ट्रिस्टिक्स होती हैं ओके okay, पहला जो है लिविंग बिंग्स नीड फूड यानी पहला है कि लिविंग बिंग्स को क्या चाहिए खाना चाहिए नीड का मतलब होता है चाहिए तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड चाहिए फूड गिव गिव फूड गिव्स देम एनर्जी टू ग्रो टू मूव एंड फॉर अदर अच्छा तो फूड्स उनको क्या देता है एनर्जी देता है किस लिए उनको ग्रो करने के लिए उनको मूव करने के लिए एंड फॉर अदर एक मिनट हाँ फॉर अदर लाइफ प्रोसेस दैट ऑकर इनसाइड देअर बॉडीज़ और मतलब कि और अदर मतलब दूसरे जो लाइफ प्रोसेस के लिए जो दूसरे लाइफ प्रोसेस के लिए वो मतलब कि वो एनर्जी जो है मतलब कि और जो लाइफ प्रोसेस यानी जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं तो और सभी जो लाइफ प्रोसेस करने के लिए हमको फूड क्या देता है एनर्जी देता है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथेसिस जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं कौन से प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड्स जो एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे भी ठीक है जैसे हम लोग एनिमल्स में जैसे लायन है तो लायन जो है तो लायन तो आ, क्या खाएगा दूसरे एनिमल को खाएगा लेकिन और कुछ जैसे डियर है डियर है तो वो प्लांट को खाएगा तो एनिमल एनिमल को भी खाते हैं और जो एनिमल होता है वो प्लांट को खाते हैं लेकिन वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं करते हैं लिविंग बिंग्स शो ग्रोथ लिविंग बिंग्स क्या दिखाते हैं शो so का मतलब होता है दिखाना ग्रोथ यानी ये ग्रोथ दिखाते हैं ट्राई टू वियर द ड्रेस विच यू हैड फोर ईयर्स बैक मतलब वो ड्रेस को पहनने की कोशिश की जो आपने चार साल पहले पहना था डज़ इट स्टिल फिट यू क्या वो अभी भी आप में फ़िट हो रहा है यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर एज यू हैव ग्रोन टॉलर मतलब उसको आप जा मतलब कि नहीं पहन सकते क्योंकि आप क्या हो चुके हैं थोड़े बड़े हो चुके हैं लिविंग बिंग्स यूजअली डो नॉट रिमेन्स ऑफ द सेम साइज जो लिविंग बिंग्स होते हैं वो मतलब कि हमेशा सेम साइज़ के नहीं रहते हैं ए स्मॉल पपी ग्रोज इन टू डॉग एक जो इस्मॉल पपी एक छोटा सा जो बच्चा है कुत्ते का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है डॉग में यानी बढ़ के वो डॉग हो जाता है इस्माल सीडलिंग ग्रो इनटू प्लांट जो छोटा सा पौधा रहता है वो मतलब ग्रो होकर एक प्लांट बन जाता है डू यू नो एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर दे हैव रीच ए सर्टन साइज एंड एज जो एनिमल्स होते हैं वो बढ़ना बंद कर देते हैं जब वो एक कुछ साइज़ के हो जाते हैं और सटन एज यानी कुछ उम्र तक पहुंच जाते हैं तो वो बढ़ना बंद कर देते हैं वेयर एज प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ लेकिन वहीं जो प्लांट्स है वो अपने पूरे लाइफ बढ़ते ही रहता है ओके तो आज के वीडियो में इतना ही ओके तो वीडियो आप लोग देखिए अच्छे से देखिए और क्लास वर्क में इसी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएं उसी को लर्न करने की कोशिश कीजिए इसी को पढ़िए ओके और होमवर्क में आप लोग जो आगे हैं आगे जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़िए ठीक है थैंक यू